कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रही है? और अगर उसने तबरेज़ को कॉल करके सब बता दिया तो उसे सब पता चल जाएगा। छोड़ो इन बातों को, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वो अपने घर नहीं पहुंची तो आखिर वो गई कहाँ है, जबकि अकबर साहब तो उसे खैरियत से उसके घर पहुंचाने के लिए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने घर जाना ही नहीं चाहती थी। खैर छोड़ो इन बातों को, हाँ अकबर उसे ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगी तो पहुंचा देंगे उसे उसके घर। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है अगर वो मिले या ना मिले, हमारी बला से भाड़ में जाए वो। अच्छा तुम परेशान मत हो, हाँ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। खामा खा मत परेशान। चलो बीबी चलो बैठो बैठो, अब आवाज बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, समझी? अगर तुमने मेरी बात मान ली होती ये सब नहीं होता, इसकी नौबत ही नहीं आती। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जो तुम चाहते हो वैसा नहीं होगा। खैर वो तो वक्त बताएगा। अच्छा मेरी कोई नीयत नहीं है तुमसे जबरदस्ती करने की, ज्यादती करने की, ओके? बस एक बार तुम दोनों की तलाक हो जाए, उसके बाद तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर मुझसे शादी कर सकते हो? इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं। एनीवे परेशान नहीं हूं, रेस्ट करो, यू आर सेफ है।